हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू की टिक्की, या जिसमें हम भल्ला बोलते हैं। ये मैंने बॉयल आलू ही लिए हैं, ये मैंने तोड़ लिए हैं। ये दो बड़े आलू हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है। यहाँ कुछ मैंने मसाले लिए हुए हैं, नमक और ये अरारोट। अरारोट बहुत ज़रूरी होता है इसमें डालना, जिससे ये बंधे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ये फुल भर के 3 चम्मच डालने वाली हूँ। ये देखिए, ये 3 चम्मच मैंने अरारोट डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें ये आधा चम्मच नमक डालूंगी। अब मैं इसमें ये धनिया है मेरे पास पिसा हुआ, ये मैं 1 चम्मच ऐड करूंगी। इसके साथ ही मेरे पास ये चाट मसाला है, ये मैं आधा चम्मच ऐड करूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला 1 चुटकी करीब, और ये बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 चम्मच लाल मिर्च। इसमें इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए, मैंने ये गूंथ लिया है, सॉफ्ट गूंथा है, तो मैं इसको करीब 10 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे ये थोड़ा सा अच्छे से सही हो जाए। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कपड़े से ढक के रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुकी हैं, अब मैं इसके लो बना लूँगी। देख सकते हैं आप, मैंने इसके ये छोटे छोटे, इतने ज़्यादा पतले नहीं, थोड़े मोटे मोटे ये बनाए हैं। रिफाइंड मैंने ऑयल जो है गर्म होने रख दिया था कम गैस पे, तो हम इनको कम गैस पे सेंक लेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, इतना करेंगे जितना कि ये डूब जाए, साइड से किनारे भी सिंक जाए। तो इनको सेंक लेते हैं कम आँच पे। जब तक हमारे ये सिक रहे हैं, तब तक हम मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये आधी कटोरी चीनी ली है, इसके साथ ही ये मैंने इमली ली है, इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, खट्टी इमली है। इसके साथ ही ये मैंने सूखा अदरक लिया है, या सौंठ आप ले सकते हैं, सेम वही है। तो इन तीनों को हम ग्राइंड कर लेंगे एक जार में। देखिए, इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे सबको। ये मैंने वो लिया है जार, इसमें ये खट्टी चटनी बनाने के लिए, मीठी वाली जो है, जो बहुत अच्छी लगती है टिक्की में, ये जार में डाल देंगे। और ये चीनी भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अब इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसको ग्राइंड, ये हमारे एक तरफ सिक चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ भी सेंक लेंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से कम गैस पे सेंकेंगे। ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, अब मैं इसको तड़का लगा दूंगी इसका। इसके लिए मैं कढ़ाई है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं, ये बहुत छोटा चम्मच है ये मेरा, तो इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालूंगी मैं, इसमें 1/4 चम्मच ही ये अजवाइन डालूंगी। जब तक ये गर्म हो रहा है, तब तक हम इनको निकाल लेते हैं और हम अपने दूसरे भी टिक्की इसमें डाल देंगे। जीरा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था चटनी वाला, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं स्वाद के लिए इसमें गुड़ भी डालूंगी, गुड़ मैंने डाल दिया, और इसको अच्छे से पका लूंगी। ये चटनी बनके तैयार है। इसका कलर रेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो केवल गुड़ में बनी है, ये मैंने चीनी में भी बनाई है, मैंने थोड़ा सा ही गुड़ ऐड किया है। आप केवल गुड़ में बनाएंगे तो वो रेड कलर की बनेगी। ये देखिए, अब इसको हम, ये हमारी बन चुकी है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट बनी है। तो मैं इतना ही पकाऊंगी, इसको गैस को ऑफ कर दूंगी। जब तक ये सिक रहे हैं, जब तक हम हरी खट्टी वाली चटनी भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये धनिया लिया है, ये मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसके साथ ये पुदीना है, पुदीने की पत्तियाँ हैं ये भी, और ये इसमें ये 4 हरी मिर्च हैं, आप देख सकते हैं छोटी हैं इसलिए 4 हैं।
बड़ी होती तो दो ही होती है। इसके साथ ही हम इसमें कटा हुआ नींबू निचोड़ लेंगे और इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे अपने स्वाद अनुसार। ये बहुत है मेरे लिए, इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसमें नींबू ये भी हमारे सेक चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। करते हैं तैयार टिक्की। तो इसको हम थोड़ा कट लगा लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो दोबारा इसको इस तरीके से सेंक सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा सेंकूंगी नहीं इसको। चार पीसेस में इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम मीठी चटनी और हमारी ये खट्टी चटनी डाल देंगे। नमक मिर्च हम इसमें डाल चुके हैं ऑलरेडी सब कुछ, तो हम इसमें केवल प्याज ही डालेंगे। देखिए आप, प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला यूज कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला यूज कर देंगे। आप खाइए और बताइए कैसा लगे आपको टिक्की। सिंपल, बहुत स्वादिष्ट। थैंक यू सो मच।